नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अल्कोहल जो पेय पदार्थ होता है उसके बारे में आज जानेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे है, उनका यूज कैसे किया जाते हैं, अल्कोहल जो पेय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ही अल्कोहल अपन यूज करते हैं तो अपने शरीर में ताजगी और स्फूर्तगी क्यों अनुभव होती है, और आजकल का जो प्रचलन है, आज चाहे त्यौहार हो, बर्थडे पार्टीज हो, शादी विवाह हो या फिर और कोई फंक्शन हो या फेस्टिवल हो, उसमें आजकल यंगस्टर इस पेय पदार्थ का बड़े चाव और शोर से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके माध्यम से अपन बहुत सारे अल्कोहल से संबंधित कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्पेशली बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अब अल्कोहल जो होता है वो एक तरीके का मादक पदार्थ होता है। इसको यूज करने से आपके शरीर में एक तरीके का नशा होता है। नशा होने और इसका उपयोग करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूँ कि किस प्रकार अपनी बॉडी अल्कोहल के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, जैसे ही अपन अल्कोहल यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने स्टमक के अंदर जाती है और स्टमक का उसका तुरंत ऑब्जर्व कर लिया जाता है और तुरंत फटाफट लीवर के पास ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर करने के बाद अल्कोहल को लीवर उसको पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, और जैसे ही आपका अल्कोहल आपके दिमाग तक पहुंचता है तो दिमाग कई विशेष प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है और वो हार्मोन्स पर्टिकुलर जाके किडनी के ऊपर काम करते हैं, और वो हार्मोन्स कई प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करवाते हैं किडनी से, जो उत्तेजित हार्मोन होते हैं और जिसकी वजह से अपने शरीर में बहुत ज़्यादा ताजगी या उत्तेजना महसूस होती है, जिसकी वजह से अपने शरीर में कई प्रकार के पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको अल्कोहल का जो यूज करना चाहिए वो एकदम एक एक्यूरेशियो में करना चाहिए। बहुत कम लेवल पर आपको अल्कोहल यूज करनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो आपके शरीर में सबसे पहले आपका लीवर डैमेज होगा और फिर इसके बाद किडनी डैमेज होगी और फिर एक एक करके आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन एक साथ डैमेज होंगे। अब अपन बात करते हैं कि जो आपकी अल्कोहल जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो मुख्य रूप से होते हैं उनके प्रकार बहुत सारे होते हैं, जिनमें मैं मुख्य रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इनमें जो आता है वो आता है आपका शराब। शराब को इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, फिर आपकी बियर, और फिर आती है स्प्रिट। फिर इनके कैटेगरी भी अलग अलग होती है और इसको कैसे बनाते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और जानेंगे कि शराब का इफेक्ट और कैसे बनती है और उनके लाभ और हानि कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों, जो अल्कोहल होता है उसके अंदर मुख्य रूप से पहले अपन बात करेंगे शराब के बारे में, यानी कि वाइन के बारे में। तो दोस्तों, जो आपकी शराब बनी हुई है तो वो मुख्य रूप से आपके फलों से बनी होती है, फ्रूट्स की बनी हुई होती है। फ्रूट्स को सला के, गला के, कमरीकृत करके फिर उसको प्रोसीजर के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है। अक्सर बहुत सारी जो वाइन होती है उनमें आपका ग्रेप्स का यूज किया जाता है, अंगूर को उपयोग किया जाता है। पहले अंगूरों को गलाया जाता है, फिर उनको ढंग से सड़ा के, फिर अच्छे तरीके से उनको प्रोसेस में ला के फिर उसको तैयार किया जाता है। फिर यदि इसकी अपन बात करें कि शराब की जो कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों शराब में जो प्रकार है वो आपका ब्रांडी आ गया, वर्माउथ आ गया और साइडर आ गया। ये तीन प्रकार के वाइन्स जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, जो इनमें मुख्य रूप से आपके ये प्रकार होते हैं। और इसका जो अपन बायोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इनमें अपन बहुत सारे साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, शरीर में कैसे यूज होती है, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस प्रकार अपने शरीर के अंदर हार्मोन्स का स्रावित होता है, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को कैसे उसको इफेक्ट करता है। तो ये एक एक मतलब जैसे वाइन पे अलग वीडियो बनाऊंगा, इस पर फिर बियर पे, फिर स्प्रिट पे, फिर इनके प्रकारों के बारे में एक एक करके सब के बारे में अलग से वीडियो में अपन जानेंगे। सेकेंड नंबर पर आता है बियर। दोस्तों, जो बियर होती है वो आपके अनाजों को पहले भिगोया जाता है, फिर उनको ढंग से सड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसको खमीरकृत करके फिर उसके बाद प्रोसेस में लाया जाता है। जब आप इसका जो यूज होता है, इसमें जो अक्सर यूज होता है वो आपका जौ का सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इसमें भी कई प्रकार के वेरिएंट होते हैं, कई प्रकार के इसमें भी टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका स्काउट हो गया, लॉन्गर हो गया, साकी हो गया, ताड़ी हो गया, और लास्ट में होता है आपका पोर्टर। तो दोस्तों, ये इसके सबसे ज़्यादा
टाइप्स होते हैं तो बियर में होते हैं, और इनमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो लगभग 3 से 7% भी होती है, किसी में 7 से 10 भी हो जाती है। तो ये इनके अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग अल्कोहल का लेवल होता है। फिर इसके बाद अपन स्प्रिट की बात करेंगे, तो स्प्रिट जो होता है वो आपका दोनों का मिक्सअप होता है, जो कि दोनों को मिला के किया जाता है। अब इनका जो होता है, इनमें कई प्रकार के आते हैं, जिनमें आपकी पहले नंबर पर जो विस्की आती है, विस्की जो होती है इसको ग्रेन विस्की भी कहते हैं, और इसकी जो अल्कोहल का जो लेवल होता है वो 40 से 70% तक का होता है। यह चावल से भी बनाया जा सकता है, जो है मक्का है या फिर टेपियोका है और अन्य अनाजों से भी इसको तैयार किया जा सकता है। यह अधिक ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होता है, इसका उपयोग तुरंत 2 साल के अंदर अंदर कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आती है आपकी ब्रांडी। जो ब्रांडी होती है वो अंगूर के शराब के उधर्व पतन से तैयार किया जाता है और फिर इसको यूज किया जाता है। इसकी जो अल्कोहल का जो लेवल होता है वो लगभग 40 से 50% होता है, और यह एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। ब्रांडी को संरक्षित स्थिति करने के लिए दीर्घ काल तक रखा जा सकता है, और ब्रांडी जितनी पुरानी होती है उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक मानी जाती है, और संग्रहण के दौरान इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी स्प्रिट में जिन। अब ये जो जिन जो बनती है अक्सर जौ से बनती है, गेहूँ चावल व अन्य अनाजों से भी इसको तैयार किया जाता है, जिसमें उधर्व पातन से भी इसको तैयार किया जा सकता है। इसमें सुगंधित विकसित करने हेतु उसमें उड़नशील एक अनिवार्य तेल डाला जाता है या फिर अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इसका जो जिन का जो लेवल जो होता है, इसमें अल्कोहल जो लेवल होता है इसमें 40 से 50% तक का हो सकता है। फिर इसके बाद एक आती है आपकी इम्पोर्टेंट, वो आपकी रम। अक्सर आप बहुत सारे रम के बारे में सुना होगा, और इसमें जो रम जो बनती है वो गन्ने के रस से स्पेशली इसको बनाया जाता है। गन्ने के रस में बनी रम उत्तम कोटि की होती है, और इसमें जो खमीरीकृत प्रक्रिया जाती है उसमें अल्कोहल की लेवल बढ़ जाती है, जिसमें लगभग 50% से अधिक अल्कोहल की मात्रा होती है। फिर सबसे लास्ट में आती है आपकी देसी शराब। देसी शराब जो होती है वो महुआ से बनती है या चावल से भी बन सकती है, फिर राबी से भी बन सकती है आदि का इसमें खमीरीकृत तैयार किया जाता है, और अक्सर अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देसी शराब का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये औरों की तुलना में बहुत सस्ती होती है और ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर एक ब्रांड आता है आपका, जो टाइप आता है वो होता है ताड़ी। ताड़ी का मतलब होता है ताड़ या नारियल या खजूर के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है। ताड़ी निकालने के बाद तन के ऊपरी हिस्से से जहाँ पर पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं उसे थोड़ा थोड़ा खुचर कर काटा जाता है, उस खुचरे भाग से ताड़ी निकाली जाती है, इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है यानी कि सुखाया जाता है, जिससे इसकी शर्करा अल्कोहल में बदल जाती है, और इसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी और आयरन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके मतलब अल्कोहल से संबंधित कुछ वेरिएंट थे जिनके अपन ने बात करी। इसका जो अलग अलग वेरिएशन हो गए, जैसे बियर हो गया, आपका स्प्रिट हो गया, या फिर आपकी वाइन हो गया, देसी शराब हो गया, इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, और इसमें लाभ हानि, इसमें अपन यूज करने के बाद अपने इसको जो एनर्जी पावर मिलता है वो कितना मिलता है, शरीर में कैसे कैसे नुकसान करती है, कैसे डैमेज पहुंचाती रहती है, और ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करती है, वो अकन साइंटिफिक रीजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।